तो फ्रेंड्स, 100 रुपए के लिए एक महिला की गुंडागर्दी पूरे पब्लिक में भारी पड़ गई। एक महिला है जो कि इसमें पुलिस हिरासत में है। महिला का जो व्यवहार है वो पूरे पब्लिक पे भारी पड़ गया। महिला ने मात्र 100 रुपए के लिए किसी गरीब दुकानदार को, जो कि मिट्टी के गुल्लक वगैरह बनाते हैं, मिट्टी के घड़े गुल्लक, शॉपकीपर हैं, उनसे 20 रुपए को लेन देन लेके 100 रुपए पे बात अटकी। उसको लेके 25-26 हजार का नुकसान कर डाला। महिला जो कि एक आदर्श होती है नारी का रूप, लेकिन आज के समय में इतना विकराल रूप भी देखने को मिल रहा है। दोस्तों, एक महिला है, मैं अभी वीडियो मुझे मिला था उनका। एक भाई की दुकान में गई थी, मात्र गुल्लक घड़ा दो चीजें उसने खरीदी, जिसकी कीमत बताई जा रही है कि 120 रुपया। भाई ने उनसे 120 रुपये कहा, महिला 100 रुपये पे अड़ी रही। उन्होंने बोला, नहीं, हम गरीब आदमी, हमारी यही कमाई है, हमें 120 रुपये पे करो। तो महिला ने पैसा पे करने के बजाय वहां पर से सारा सामान उठा के तोड़ना शुरू करा। अंत में उसके ऊपर लेट गई और सारे जो पर्स में नोट थे वो नोट लाके पूरे सड़क पर बिछा दिए। महिला का बेटा आता है, बेटा भी उसे नहीं समझाता है। फिर जब मामला हद से बाहर चले जाता हो, किसी की सुनती नहीं, मानती नहीं, काफी लोगों के समझाने के बाद, तो वहां पे पुलिस बुलाई जाती है। पुलिस के द्वारा मामले को जैसे तैसे शांत कराया जाता है। बताया जा रहा है कि जो भाई थे उनका बयान मैंने सुना, जो शॉपकीपर है, कि उनके बेटे से जब बात कही गई तो बेटे ने भी इस बीच में बिल्कुल कोई बात नहीं रखी, नहीं बोले वो, क्योंकि बेटे को भी उसका भाई का दुकानदार का कहना था कि वो मुझे महिला, उसके बेटे का कहना था कि वो मानसिक रूप से परेशान है, मानसिक रूप से जो मेंटल कहते हैं, तो मानसिक रोगी है। और भाई का कहना था, मुझे मानसिक रोगी तो कहीं से कहीं नहीं लगी हो, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा था महिला काफी नशा किए हुए थी, क्योंकि जिस स्थिति में उसने घटना को अंजाम दिया, उसने जो परिस्थितियां करी, उसने तोड़ फोड़ करी, दुकान का 25-26 हजार का नुकसान कर दिया, तो एक गरीब आदमी के लिए बहुत बड़ी अमाउंट होता है। 25-26 हजार रुपये बहुत बड़ी बात होती है। मात्र 100 रुपये के लिए, जिसमें 20 रुपये का डिफरेंस हो रहा था, 20 रुपये के लेन देन को लेके महिला ने दुकान में इतनी बड़ी गुंडागर्दी दिखाई और हाथ तपाई पे उतर गई। क्योंकि जानते हैं, महिलाएं अगर ऐसी हरकत करते हैं उन पे कोई पलटवार नहीं कर सकता है, क्योंकि धाराएं कुछ ऐसी होती महिलाओं के पक्ष में, तो इसका औरतें गलत इस्तेमाल करती हैं। तो दोस्तों, अगर आपके इर्द गिर्द ऐसी चीजें होती, जरूर उसे रोकने में हेल्प करें। क्योंकि मैं देख रही थी वीडियो में, आजू बाजू लोग परेशान हो रहे थे, महिला किसी की सुनने को तैयार नहीं थी। स्कूटी से उतर के उसने वार करना शुरू कर दिया, अंदर से सामान उठा उठा के बाहर फेंक रही, सामान भी मिट्टी का सामान है उनका, तोड़ फोड़ करके उसने पूरा रोड पे बवंडर मचा दिया। तो ऐसा कोई नॉर्मल इंसान ये चीजें नहीं करता है। वास्तव में या तो मानसिक रूप से उस चीज मेंटल जिसे कहते हैं, मैं यही कहूंगी, तो मानसिक रोगी है, या फिर वो पूरी तरीके से नशे में धुत्ती हूँ मैं ना। तो दोस्तों, इस तरीके की वारदातों को प्लीज रोके, अपने इर्द गिर्द तुरंत पुलिस को सूचना दें, क्योंकि कोई बड़ा नुकसान, कोई बड़ी अनहोनी ना हो। समाज में कई तरीके के लोग होते हैं, कई तरीके के वारदात हो जाते, तो उनको रोकने में मदद जरूर करनी चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो बहुत लंबा हो जाता, प्लीज अगर आप मेरी वीडियो देखना चाहते हैं तो डेली सुबह एक वीडियो आती है, अपने प्यार बनाए। और मेरा चैनल मोनो हो चुका है, तो प्लीज ऐड के साथ देखें, क्योंकि विकलांग लोगों की मदद के लिए मैंने ये चैनल बनाया। जो भी अर्निंग होगी मैं उन लोगों को हेल्प करूंगी। तो दोस्तों, डेली 8 बजे मैं लाइव आती हूँ। अगर आपकी कोई समस्या होती है तो प्लीज मुझसे आप रख सकते हैं, बिल्कुल कोशिश करूंगी कि आपकी समस्याओं के समाधान को मैं सुलझाने की। तो दिल से आप लोगों का धन्यवाद, आपने बहुत प्यार दिया, 2 महीने में मेरे को सक्सेस दी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी जो भी समस्याएं होंगी उनको मैं आगे रख पाऊंगी। अगर आप मेरा वीडियो डेली देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप आने वाली मेरी वीडियो को देख पाओ। तो थैंक यू आप लोगों का दिल से।